हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का। अक्सर घर में इस तरह की प्लास्टिक की डिब्बियाँ आती रहती हैं और जिन्हें हम बाद में बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इस बेकार से दिखने वाली डिब्बी से हम यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी की खाली डिब्बी ली है, इसकी शेप काफ़ी सुंदर है, तो मैंने इसका लेबल उतार दिया है और फिर एक साफ़ कपड़े से इसे पोंछ लिया है। तो अभी मैंने लिया है वाइट सीमेंट, तो ये 40 रुपीज़ में 1 kg मार्केट में मिल जाता है। तो 3 से 4 चम्मच मैंने वाइट सीमेंट की ले लिए हैं। तो इसे घोलने के लिए आप कोई वेस्ट बर्तन यूज़ कर सकते हैं और फिर इसमें 1.5 से 2 चम्मच फेविकोल के डालने हैं और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए, तो कुछ इस तरह से मैंने इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अभी इसे हम अपनी इस डिब्बी के ऊपर लगाएंगे, तो कुछ इस तरह से हाथ से हम इसे सारा सेट कर देंगे, इसको पूरा कवर कर देंगे। तो ये सारा काम आपको साथ के साथ ही करना है क्योंकि वाइट सीमेंट सूखकर हार्ड हो जाएगा, तो आपको इसे गीला गीला ही ऐसे लगाना है और लगाने के बाद इसको 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे और फिर पानी का हाथ लगाकर इसे प्लेन कर देंगे। तो ऐसा हम गीले गीले में ही कर सकेंगे, अगर ये सीमेंट सूख गया तो फिर हम इसे प्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसे गीले गीले ही हम इसको पानी का हाथ लगाकर प्लेन कर देंगे। और अब मैंने लिए हैं मिरर, तो ये 2 तरह की साइज़ हैं, एक बड़ा साइज़ लिया है, एक छोटा साइज़ लिया है मैंने। तो आप किसी भी शेप के मिरर ले सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर मिरर लगा दिए और हाथ से हल्का सा प्रेस कर दिया है। अभी मैंने डायमंड शेप के मिरर लिए हैं, तो ये भी बीच बीच में हम लगा देंगे। तो जैसा भी डिज़ाइन आप चाहें आप बना सकते हैं। तो अभी ऊपर के हिस्से पर भी हम वाइट सीमेंट वाला पेस्ट लगाएंगे। तो वाइट सीमेंट का पेस्ट जब आप बनाएं तो आप कोई भी बेकार बर्तन लें, क्योंकि सीमेंट सूखने के बाद बर्तन में साथ में लगा रहेगा तो फिर आपको निकालने में दिक्कत होगी, तो आप कोई भी वेस्ट बर्तन लें। इसको भी प्लेन कर लेंगे ताकि सारा एक जैसा एकसार हो जाए। और फिर इसके ऊपर भी मिरर लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर मिरर लगा दिए हैं। तो अभी इसे कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए रखेंगे, जब तक कि ये पूरा ना सूख जाए। तो अभी 5 से 6 घंटे के बाद ये पूरी तरह से सूख गया है। तो अभी मैंने लिया है एक्रेलिक कलर फेविक्रिल का, तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर लिया है, आप चाहें तो आप इसे वाइट कलर का भी रख सकते हैं, वाइट कलर भी कर सकते हैं, गोल्डन कलर कर सकते हैं, जैसा भी कलर आपको चाहिए
वो आप बना सकते हैं। और फिर एक साफ कपड़े से हम मिरर को साफ करते जाएंगे। और अभी इस पेंट को सूखने देंगे। पेंट सूखने के बाद मिरर के ऊपर जहाँ जहाँ कहीं भी पेंट लगा है तो एक साफ़ कपड़े से उसे पोंछ देंगे। तो कपड़े को मैंने थोड़ा सा गीला किया है, हल्का सा गीला कपड़ा लेकर हम जहाँ जहाँ मिरर के ऊपर पेंट है उसे साफ़ करेंगे। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया फ्लावर पॉट बनकर तैयार है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये वो प्लास्टिक की डिब्बी का बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नए यूज़फुल वीडियो के साथ।